और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, पद और पार्टी दोनों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में जाने की अब अटकलें ऐसे में तेज हो चुकी है। बता दें कि लंबे समय से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं नारायण त्रिपाठी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से नाराज चल रहे थे नारायण त्रिपाठी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये देखिए जो पत्र उन्होंने लिखा है प्रदेश अध्यक्ष को, वो पत्र भी आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। टिकट कटने से नाराज चल रहे थे नारायण त्रिपाठी। और बता दें कि इस बार सिंधिया समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट मिला है, इसी से वो नाराज थे। और मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी और अपने पद दोनों से त्याग पत्र दे दिया है। तो उन्होंने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है नारायण त्रिपाठी के अब ऐसे में कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। वो किसी भी वक्त कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं नारायण त्रिपाठी, ये भी खबर चल रही है। तो बता दें कि नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक है और उन्होंने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने पत्र लिखा है, पार्टी अध्यक्ष को भी उन्होंने पत्र लिखा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विजय चौरसिया हमारे साथ में मैहर से जुड़ चुके हैं। विजय, क्या टिकट नहीं मिलना ही एक कारण है या इसके अलग कोई और भी कारण हो सकता है? उन्होंने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कारण रहा? विजय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या टिकट नहीं मिलना ही एक बड़ा कारण है या इसके अलग कोई दूसरा भी कारण है? उन्होंने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कारण है? उन्होंने पंडित नारायण पाटिल जी का मूल लक्ष्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो कार्यशैली बनाई गई थी कि छोटे छोटे राज्यों का गठन हो, और दूसरा आपके अर्जुन सिंह जी के द्वारा भी पहल की गई थी, कहीं ना कहीं उनके मतों में ये चीजें विचार में आ रही थी नारायण पंडित जी के, विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी जी के। और पार्टी ने विश्वसनीयता न करते हुए श्रीकांत चतुर्वेदी जी को विधायक पद की टिकट दे दी थी, वो भी एक शब्द कहा जा सकता है आपके। कहीं ना कहीं उनके द्वारा पार्टी से काफी समय से ऐसे वक्तव्यों का वो किया जा रहा था जिससे पार्टी की गतिविधियों से उनको विपरीत माना जा रहा था जी, और इसी के चलते उन्होंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और नारायण त्रिपाठी जी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। लेकिन वो लंबे समय से विधायक रहे हैं और लंबे समय से सूबे में बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में जो उनकी मांग थी तब से क्या मांग उनकी उठाई नहीं गई? क्या पार्टी ने उनकी नहीं सुनी, सरकार ने उनकी नहीं सुनी, और ऐसे में ठीक चुनाव से पहले उनका पार्टी से इस्तीफा देना ये तो कारण नहीं हो सकता है? कम से कम नहीं तो उनको ये तो सोचना चाहिए था कि अगर पार्टी या सरकार बनती है तो दोबारा मांग उठाई जाए। कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा असंतुष्टि प्रकट की गई और इसी के चलते उनको सहानुभूति न मिल पाई, उनके अनुसार दिन प्रदेश बनाने के लक्ष्य को कहीं ना कहीं माइनस दिखाया गया, इसके चलते उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अब उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही है, क्या अब उनका अगला कदम कांग्रेस के साथ जुड़ना होगा? अभी तो जानकारी ऐसी पाई जा रही है 16/10/2023 को फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किया जा सकता है कि कांग्रेस से टिकट की प्राथमिकता हो सकती है। अगर वो कांग्रेस पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है और कांग्रेस से भी ये आश्वासन नहीं मिला कि मध्य प्रदेश की उनकी मांग को सुना जाएगा, तो क्या करेंगे? क्या वो अलग से चुनाव लड़ेंगे या इसके बावजूद भी कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्या कुछ करेंगे? क्या उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आई है, कोई वक्तव्य आया है? उन्होंने तो दो ही शब्दों में बोला कि हम पार्टी और टिकट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते, अपन तो मैयर पब्लिक एक जन बच्चे जो प्रत्याशी के बिहेव में ना मान के जी उनके द्वारा जो वोटर है जी वोटर की जन वोटरों के हिसाब से पार्टी को टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। कहीं ना कहीं पब्लिक के बिहेव में उन्होंने खड़े होकर पब्लिक की सपोर्ट का मतलब पूरा उद्देश्य उनका लक्ष्य है पब्लिक, मैयर की जो जनगणना है, जनगणना में जो भी पब्लिक है उनसे रिलेटिव है उनके सहयोग, बस उन्होंने 16/10/2023 को निर्णय लेने के लिए पहल की है कि 16/10 को जैसे हमारे क्षेत्र की ग्रामवासी नगरवासी और वोटर चयन करेंगे उसी भी है में अपन चुनाव लड़ेंगे।
जी बिल्कुल, तो कम से कम ये ही माना जाए कि जो विंध्य प्रदेश की उनकी मांग थी उसी को दरकिनार किया गया, इसी से वो आहत हुए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफे दे दिया। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो बड़ी खबर आपको मैहर से बता दें, जहां पर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी और विधानसभा की जो सदस्यता है उससे भी त्यागपत्र दे चुके हैं वो, और पार्टी और पद दोनों की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पार्टी से वो नाराज चल रहे थे और अब नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस का दामन कभी भी वो थाम सकते हैं। नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको मैहर से हम बता रहे थे, जहां पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया है।